फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने डार्क गर्दन, डार्क अंडरआर्म्स, डार्क कोने, डार्क उंगलियां और डार्क एड़ियों के रंग को कैसे अपने स्किन टोन के जैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी स्किन इकट्ठी रहती है। स्किन इकट्ठी रहने के कारण फ्रेंड्स यहाँ पे धूल पॉल्यूशन आसानी से हमारी बॉडीज के अंदर जाकर इस एरिया के रंग को काला कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इसके जरिए आप यहाँ पे जमे मैल को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी के स्किन टोन के जैसे रंग को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज आपको यहाँ पे यूज करना होगा कोलगेट का। कोलगेट में फ्रेंड्स कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडीज पर जमे मैल को हटाकर उन्हें वहां से बिल्कुल गोरा बना देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोलगेट जो है यूज करनी है। आपको फ्रेंड्स कोलगेट इसमें इतनी मात्रा में ऐड करनी है जितना कि आप ब्रश करते टाइम लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है कोलगेट ले लीजिएगा, या फिर फ्रेंड्स आप आधे चम्मच के लगभग इसमें कोलगेट जो है ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें आपको सेकंड चीज ऐड करनी है, वो है फ्रेंड्स नमक। नमक फ्रेंड्स हमारी बॉडीज पर स्क्रब की तरह काम करेगा और वहां पर जमे मैल को उखाड़कर वहां से हमारी स्किन को गोरा बना देगा। तो फ्रेंड्स आपको इसमें आधे चम्मच के लगभग जो है नमक ऐड करना है। अब फ्रेंड्स आपको इसमें तीसरी चीज ऐड करनी है, वो है लेमन यानी कि नींबू। नींबू फ्रेंड्स हमारी बॉडीज पर जमे मैल को हटाकर वहां से हमारी स्किन टोन को निखार देती है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें आधे नींबू का रस जो है ऐड करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप आधे नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप इस नींबू को फेंकिएगा मत, क्योंकि फ्रेंड्स आपको दोबारा से इसका यूज करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो कोलगेट है वो फूल चुकी है, फूल कर आपकी जो पेस्ट है वो इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए आपको इसमें नींबू को इस तरह से डीप करना होगा और अपनी कोहनी पर या फिर अपनी गर्दन पर या फिर अपनी स्किन पर जहाँ पे आपके मैल जो जमा हुआ है वहां पे फ्रेंड्स आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिएगा। आपको ये मसाज फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट तक जो है करनी होगी। फ्रेंड्स नींबू आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी से मैल को हटाने में काफी हेल्पफुल होता है। कोलगेट भी फ्रेंड्स हमारे दांतों पे जमे मैल को साफ कर देती है, उसी तरह से ये हमारी बॉडीज पर जमे मैल को भी रिमूव करने में काफी हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स हमने जो इसमें ऐड किया है नमक, वो हमारे बॉडीज पर स्क्रब की तरह काम करेगा और फ्रेंड्स जो डर्ट और पॉल्यूशन है वो हटाकर हमारी बॉडी को एकदम ब्राइट बना देगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मसाज लगभग 10 मिनट तक इस सर्कुलर मोशन में इस तरह से करती रहनी होगी। 10 मिनट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप इस पेस्ट को अपनी बॉडीज पर ऐसे ही लगाकर छोड़ दीजिएगा। सूखने तक फ्रेंड्स आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने जिस पार्ट पे आप यूज कर रहे हैं उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा, या फिर आप ठंडे पानी भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस नुस्खे को आप एक बार यूज करने के बाद देखेंगे कि आपकी बॉडीज पर जमा मैल कैसे रिमूव हो चुका है, कैसे हट चुका है। तो फ्रेंड्स इस नुस्खे को एक बार जरूर यूज करके देखिएगा और इसको इससे यूज करने से आपको 100% फायदा जो है जरूर होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।